नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नवे फूड ब्लॉगर में। तो आइए, आज हम मोतीचूर के लड्डू बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने ये 1 कप बेसन ले लिया है, ये छान लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने 1 बोल ले लिया है। अब मैं इसमें बेसन ये डाल देती हूँ। 1 कप बेसन है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, अगर आप इसमें फूड कलर डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं कलर चेंज के लिए। इससे बहुत ही अच्छे, मैं इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगी आपको जिससे कि मोतीचूर के लड्डू जो है वो बिल्कुल बारीक करके बनेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा इसमें फूड कलर डाल देती हूँ। ये येलो लेमन कलर है, मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ। आप अगर इसमें फूड कलर भी नहीं डालेंगे तब भी ये बहुत अच्छे बनेंगे। हल्का सा मैंने इसमें डाला है, मैं इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरीके से। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये देखिए येलो कलर कितना हो गया। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। एक स्मूथ बैटर हमें बना के तैयार करना है। ये देखिए, ऐसा बैटर बनाना है कि जिससे कि ये पूरा गिरे इस तरीके से। ये देखिए, जब हम उठा रहे हैं तो ये पूरा एक साथ गिर रहा है। ये देखिए, मैं आपको और भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं एक और बता देती हूँ। जैसे आप ऐसे एक चम्मच या कुछ लेंगे तो उस पर पीछे की साइड एक कोटिंग आ जानी चाहिए। ये देखिए, इससे क्या होगा कि हमारा बैटर अच्छे तरीके से बन गया है बूंदी के लिए। तो ये एक पहचान है बैटर की। ये देखिए, जब हम इस तरीके से करेंगे और ये देखिए एक कोटिंग आ गई है, तो बस यही पहचान है हमारे मोतीचूर लड्डू बनाने की। ये देखिए, तो बस अभी से बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, जब हम इस तरीके से उसे उठा रहे हैं तो ये पूरा एक साथ गिर रहा है, इतना पतला हमारा ये बैटर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए। अक्सर क्या होता है कि मोतीचूर के लड्डू जब वो बनती हैं तो वो हम झारे से बनाते हैं, लेकिन अगर किसी के पास झारा नहीं है तो क्या करें। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जिससे कि आपके ये मोतीचूर के लड्डू बूंदी आराम से बन जाएगी। आइए वो दिखाती हूँ क्या चीज़ है। तो इसे हम एक साइड रख देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये मेरे पास है दूध की थैली। ये तो अक्सर हर किसी के पास मिली जाती है, दूध की हो, मट्ठे की हो, या दाल की हो, या नमकीन की हो, बस थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो मेरे पास है ये दूध की थैली जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के सुखा लिया था। हमें क्या करना है, बस इसके अंदर बैटर लेना है और इसको एक पतला सा कोने पे से काट लेना है, जितनी पतली हमें बूंदी चाहिए। तो आइए मैं करके बताती हूँ आपको। पहले हम एक गिलास लेंगे और इसमें इस पन्नी को इस तरीके से डालेंगे। इसको भर लेना है बैटर के साथ। ये अगर आपके पास कोन है तो आप उससे बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये बैटर जो हमने बना के रखा हुआ है अभी बूंदी का। तो ये बैटर हमने भर लिया है। अब हम कर लेते हैं बूंदी को उतारने के लिए तैयारी। यहाँ मैंने एक गैस पे रख दी है कढ़ाई, से गर्म होने देते हैं। अगर आप लड्डू को, मोतीचूर को, उसकी बूंदी को घी में बनाना चाहते हैं तो घी में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे गर्म होने देते हैं और फिर हम डालेंगे इसमें तेल, रिफाइंड ऑयल। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब मैं डाल देती हूँ इसमें तेल। ये देखिए, मैंने तेल को डाल दिया है। अब इसे गर्म होने देते हैं तेल को भी। जब तक तेल गर्म हो रहा है हम क्या करते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ।
जो हमने बैटर भर के रखा हुआ है हम उसे निकालेंगे गिलास से इस तरीके से और एक कोने में कर लेंगे बैटर को, ऊपर से बंद करेंगे इसको और जितना पतला हमें चाहिए बूंदी हम उस हिसाब से यहाँ से कट लगा देंगे। तो मेरे को बहुत बारीक सी बूंदी चाहिए तो मैं छोटा सा कट लगाऊंगी इसमें। ये देखिए, आइए अब तेल भी गर्म हो गया है, हम उतार लेते हैं बूंदी। गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और जो हमने बैटर लिया हुआ है उसको डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरीके से। पहले हम देख लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये गिननी चाहिए और देखिए एकदम गोल गोल हमारी ये बूंदी बनेंगी। ये देखिए जो गिर रही है वो देखिए कैसे ऊपर आ रही है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पे तो मैंने ये येलो कलर लिया है, आप और कोई सा भी कलर ले सकते हैं इसमें। ये देखिए आप एक ही जगह पे डालेंगे तो ये अपने आप नीचे से उठ के ऊपर आ जाएगी और एकदम गोल बूंदी हमारी बनके तैयार होएगी। तो पहले मैं इसी तरीके से ये डाल देती हूँ। देखिए गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे। वाओ कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, ये देखिए। ये देखिए ये मैंने डाल दी है, अब मैं इसे चला देती हूँ। थोड़ा सा इसे सिकने देते हैं। देखिए जो हमने पहले डाली है उसे देखिए कलर कितना आ गया है। देखिए बूंदी हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल ली है, अब इसी तरीके से हम और भी जो हमारा बैटर है वो भी डाल देते हैं। बस बैटर लेंगे इस तरीके से और डाल देंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बूंदी को बना लिया है और देखिए कुछ ये मोटी और कुछ बारीक दिख रही है। तो घबराइए नहीं, इसका भी एक तरीका है, अगर ये बारीक बन जाती है तो अच्छी बात है। अगर आपको इससे और बारीक भी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए जैसे कि ये है, हम क्या करेंगे एक मिक्सर जार में इसको थोड़ा सा पीस लेंगे, ज़्यादा नहीं, इसको बारीक नहीं करना है, बस एक दो बार घुमा लेंगे और बस ये थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। जो ये हमारी जैसे कि ये मोटी बूंदी है बनी हुई तो ये भी बारीक हो जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप इसे घर पे नहीं बनाना चाहते बूंदी को तो आप बाज़ार से प्लेन बूंदी लाके उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, अब मैं डाल देती हूँ इसमें हाफ कप पानी। अब एक कप मैं डाल देती हूँ इसी में चीनी, मैं यहाँ पर चीनी डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने चीनी डाल दी है, अब मैं इसे पकने देती हूँ अच्छी तरीके से, जब तक ये थोड़ी सी चिपचिपी ना हो जाए। हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी बनानी है जैसे रसगुल्लों की होती है। तो बस इसे पकने देते हैं। अभी यहाँ पे मैंने जार ले लिया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये बूंदी। देखिए कितनी अच्छी हमारे घर पे बूंदी बनके हो गई है तैयार। और बस ये देखिए, बस इसको मैं थोड़ा सा एक मिक्सी के जार में घुमा लेती हूँ इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया है, बस देखिए इतना रखा है कि इसमें क्रंचपन रहे। ये देखिए अब बस हमारी चाशनी भी अच्छे तरीके से पक गई है, देख लेते हैं चाशनी को भी। ये देखिए चाशनी में भी अच्छे तरीके से उबाल आ गया है और हमें चाहिए ये चिपचिपी, थोड़ा और पका लेते हैं इसको। अभी ये चिपचिपी नहीं हुई है, देखिए हल्का सा और पकाना है अभी इसे।
तो ये देखिए हमारी चासनी भी बिल्कुल रेडी हो गई है, अच्छे तरीके से चिपचिपी हो गई है। बस इसे क्या करना है, हाथों पे इस तरीके से चिपका के देखना है। देखिए ये लेंगे और इस तरीके से देखिए चिपचिपी हमारी ये बन के तैयार हो गई है। अब हम डाल देंगे जो हमने बूंदी बना के रखी है ये, वो डाल देंगे। गैस के फ्लेम को कम ही रखेंगे और अब हम इसमें ये डाल देते हैं। और इसे मिक्स कर देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसमें पकने देते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जब मैंने इसमें ये डाल दिया है चाशनी के अंदर। अब इसे पकने देते हैं जिससे कि चाशनी भी एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी बूंदी। गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे और इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे। हम इसे चलाते हुए पका लेंगे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए चाशनी अच्छे तरीके से होने स्टार्ट हो गया है और थोड़ा सा एक और टाइम लगेगा इसे। और ये देखिए हमारी अब अच्छी तरीके से तैयार हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ठंडा करने के लिए इसमें फैला दिए थे और देखिए चाशनी भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है। अब मैं इसमें मिला देती हूँ ये खरबूजे के बीज, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, ये बिना इसके भी अच्छा लगती है। ये देखिए ठंडी हो गए, ये देखिए किस तरीके से हो गए हैं। बस इसे इस तरीके से मैं मिला देती हूँ इसको। अब ये थोड़ा गर्म हो रहा है, इसे और ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे तरीके से हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक ये डिज़ाइन का इस तरीके से कप है, मैं इससे क्या करूँगी, हल्का सा तेल लगा दूँगी, इसको ग्रेस कर दूँगी अंदर की साइड से, जिससे कि जो हम बूंदी का डालेंगे मसाला वो अच्छे तरीके से सेट होता है। ये देखिए अब मैं इसको एक प्लेट पे इस तरीके से कर देती हूँ। ये लेंगे और इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप किसी तरीके से भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से शेप में बना सकते हैं या जैसा लड्डू बनते हैं आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए बस इस तरीके से भरेंगे और ये अच्छा सा डिज़ाइन बनके स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, मैं इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से बना लिया है। देखिए डिज़ाइन भी कितना अच्छा लग रहा है। और अब इसके ऊपर से मैं और रख देती हूँ, आप इस पर खरबूजे के बीज और रख सकते हैं या बादाम काजू से इसे गार्निश कर सकते हैं। देखिए देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये देखने में भी कितने अच्छे हैं। आप इसमें मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए और डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा है हमारी, 8 से 10 मिनट में बनके तैयार हो गए हैं। देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा है ना इसमें। आप इसको वैसे भी शेप दे सकते हैं, जैसे लड्डू रहते हैं गोल शेप, आप वो भी दे सकते हैं। देखिए तो गाइस, अगर ये लड्डू की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।